नमस्कार, बाबा राष्ट्रीय न्यूज में आपका स्वागत है। अब चलते हैं खबरों की ओर। कुमार टीवी बाजार की सब्जी मंडी में लगी आग, 10 दुकान जलकर राख। शनिवार की देर रात कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा कुमार टीवी बाजार की सब्जी मंडी में आग लगा दी गई। आग लगने के कारण सब्जी मंडी में 10 दुकानें जलकर स्वाहा हो गया। घटना के बारे में जानकारी देते हुए भुक्तभोगी दुकानदारों ने बताया कि एक दिन पूर्व मंडी में आग लगी थी, लेकिन स्थानीय लोगों की सजगता से जल्द ही आग पर काबू पा लिया गया, जिससे कुछ ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। उस समय कुमार टीवी पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने आग लगने के कारण शॉर्ट सर्किट बताया। दुकानदारों कहना है कि वह आग शॉर्ट सर्किट से लगी है, लेकिन आज जो आग लगी है उसमें शॉर्ट सर्किट का कारण नहीं हो सकता, क्योंकि किसी भी दुकान में बिजली का कनेक्शन नहीं है। आपको बता दें कि कुमार टीवी बाजार की सब्जी मंडी में 100 से ज्यादा सब्जी की दुकानें और सभी दुकानें बांस तिरपाल से बनी हुई है। अगर स्थानीय लोग और दुकानदारों की तत्परता नहीं दिखाई होती तो पूरा बाजार जलकर खाक हो जाता। दुकानदारों का कहना है कि शनिवार की रात लगभग 11 बजे उन्हें सूचना मिली कि आग लगी है। वे लोग जब बाजार पहुंचे तो देखा कि आग ने विकराल रूप ले लिया है। चारों ओर आग की लपटें धूं धूं कर जल रही थी। उन लोगों ने अभिलंब पानी डालकर किसी तरह आग पर काबू पाया। इस आग से दुकानदारों को लाखों का नुकसान हो गया। वहीं दूसरी ओर दुकानदार स्थानीय पुलिस से काफी नाराज दिखे। दुकानदारों का कहना है कि कुछ असामाजिक तत्व हैं जो देर रात बाजार में शराब, गांजा और अन्य नशीली पदार्थ का सेवन करते हैं। स्थानीय पुलिस को चाहिए कि रात्रि गश्ती ऐसे असामाजिक तत्व जो देर रात बाजार में घूमते मिले उन पर कानूनी कार्रवाई करें। रात को 11:10 पे यहाँ से मेरा भाई और दो लड़का लोग गया। क्यों? उससे 10 मिनट पहले एक और दुकान है वहाँ पे आलू का, उसमें कुछ लड़कों लोग जो असामाजिक तत्व के लड़के लोग हैं जो रात में इधर दारू गांजा पी करके बैठते हैं, अपने में गाली गलौज करते हैं, सिगरेट भांग पीते हैं, उसने किसी के ढड्डी पे आग लगा दिया। जैसे ही उसको वहाँ पे क्लाइमेक्स चैप्टर का सरदार जी हैं सोने भैया, वो देखे तो देख रहे कि आग लगा हुआ है। तो वो जैसे बगल वाले घर में गए, बोले बाल्टी लेकर के आके पानी वानी बुझाए, तब तक हल्ला हो गया। जैसे हम लोग वहाँ पहुँचे तो देखे आग लगा हुआ है। तो जैसे करके उसको बुझाया गया। बुझाने के बाद और भी कुछ लोग आ गए तो सब कुछ इकट्ठा होकर के बोले कि कल ऐसे करना है कि लिख के देना है, ये गलत हो रहा, कल भी आग लगा, आज भी आग लगा। तो ऐसे बात बात हो करके फिर सब अपना अपना घर चले गया। फिर 10 मिनट के बाद फोन आता है कि बाजार में आग लग गया है, आप लोग जल्दी आइए। तो जैसे हम और मेरा भाई आते हैं तो उर्दू स्कूल के पास से ही देख रहे कि आग का बहुत लपटा उड़ रहा ऊपर। जैसे हम लोग आए तो देख रहे कि ये दुकान जो पंडा प्रसाद का है ये पूरा जल रहा, कोई लोग भी नहीं है, सिर्फ हम, मेरा भाई, दो लोग हैं। जब तक हम लोग घुसते हैं तब तक और भी यहाँ पर का मोहल्ला का लड़का लोग, राजन वजन नाम है जिसका, उन लोग सब आने लगा। आकर के देखा तो बहुत आग लगा हुआ, ये प्लास्टिक उसमें, मतलब पूरा बाजार जलने का नौबत पे था। उसके बाद जल्दी जल्दी हम लोग ने कहीं से छुरी उरी जुगाड़ किया, जल्दी जल्दी कर करके सब प्लास्टिक वगैरह बांस वगैरह काटे उठे बुझाने का कोशिश किया गया, लेकिन आग इतना लपेट था कि जिसके चपटे में आके 4-5 दुकान नष्ट हो गया। मेरा भी दुकान है, ये है, इनका भी दुकान है। तो स्थानीय प्रशासन का इसमें क्या रोल है? प्रशासन थे ही नहीं। इससे पहले एक दिन पहले दुकान में आग लगा तो वो भी बहुत खतरनाक आग लगा। उसमें प्रशासन कह रहे थे कि ये शॉर्ट सर्किट है। भैया सब्जी दुकान में शॉर्ट सर्किट कहाँ से लगेगा? कौन सा वायरिंग किया हुआ जिसमें शॉर्ट सर्किट लगेगा? चलिए उसको भी आदमी इधर उधर करके छोड़ दिया। इस दुकान में तो ना लाइन है, ना जनरेटर, ना पूछो तो इसमें शॉर्ट सर्किट कहाँ से लगी है? ये असामाजिक तत्व का कुछ लड़के लोग हैं जो ऐसा कर रहे हैं बाजार में। क्या घटना घटा? रात में पहले 10:30 बजे रात में उधर आग लगा दिया गया, हम लोग सब उता कर चले गए डेरा। उसके बाद 11:30 बजे रात में फिर इधर आग लग गया, हम लोग तो घर चले गए, तो बाजार से खबर मिला तो फिर हम लोग रात में आए तो इधर करीब 10 दुकान का आते आते सारा जल कर राख हो गया। बहुत सारे आदमी आके हम लोग बुताए, नहीं तो पूरा कुमार टीवी बाजार जल कर राख हो जाता। ये तो बहुत हम लोग का समाज का सहयोग है, बाजार वाले का और आम जनता का, जिसके चलते दुकान कुछ बच गया, नहीं तो कुमार में एक भी दुकान नहीं बचता। और रात में ये परसों भी हुआ है, आदमी खबर दिया है, उसके बाद प्रशासन भी देख रेख नहीं रात में करती है। मार्केट में 12 बजे 1 बजे रात में बाइली आदमी भी बाजार में रहता है, इसलिए प्रशासन से भी हमारा अनुरोध है कि इसको देखे, और कोई भी बाइली आदमी 12 बजे 11 बजे के बाद बाजार में मिलता है उसके साथ कार्रवाई किया जाए। क्या लगता है किसका इसमें हाथ हो सकता है?
देखिए हम लोग तो अंधा है इसलिए हम लोग किसी को डायरेक्ट बोल नहीं सकते हैं कि कोई आदमी किया है, लेकिन जो भी किया है अच्छा नहीं है, गलत है, क्योंकि हम लोग इसी से जीते खाते हैं। हम लोग के पास दूसरा कोई भी रोजगार नहीं है, क्योंकि हम लोग रोज बेचते हैं तो रोज खाते पीते हैं। हम लोग के पास दूसरा कोई भी धंधा नहीं है, इसी से हम लोग जीते खाते हैं। अगर हम लोग के साथ ऐसा होगा तो हम लोग कैसे जिएंगे। कितना नुकसान हुआ इसमें? नुकसान तो लाखों रुपए से ज्यादा का है। और भी लगातार खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर क्लिक करें, इससे हमारे आने वाली न्यूज की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले।